अभी इन सुराही से मैं जलाने जा रहा हूँ पानी। छोटा इसका बाहर थोड़ा सा चटनी है, ये थोड़ा सा तीखा तीखा झाल झाल। ये देखिए सब्जी, पूरा ऑर्गेनिक वाला सब्जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी अभी सो के उठे हैं, मंजिता और मम्मी सब लोग पहले ही उठ गए थे। मम्मी गए हैं अभी दूसरे गांव में काम की वजह से। और बारिश भाई बारिश देखिए दोस्तों, पूरा शुरू हो गया बारिश। और अभी मैं और जेरी ब्रश करेंगे क्योंकि आज दिन भर कुछ करने को है ही नहीं है। तो आज मैं क्या क्या करता हूँ अपने जीवन में, अपने डेली लाइफ में मैं क्या क्या करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, आज वही दिखाऊंगा दोस्तों आप लोग। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। आओ मंजिता क्या गेम खेल रही है, देखो बचपन में हम लोग बहुत खेलते थे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप लोगों ने कभी ऐसा, क्या गेम है मंजिता? मगरक्का गेम। बारिश ही बारिश दोस्तों। तो अभी सबसे पहले हम ब्रश कर लेते हैं यहीं पे घर के ऊपर, बारिश में हम लोग हैंडपंप में नहीं जा सकते। चलो तो ब्रश व्रश तो कर लिया दोस्तों, अभी ब्रश के बाद अभी पानी पीते हैं। सुबह सुबह हमेशा पानी पीना चाहिए, मैं दरअसल रोज पीता हूँ एंड मैं गर्म पानी नहीं पीता हूँ, मैं नॉर्मल वाला ही पीता हूँ। यहाँ मंजिता बैठ के मुझे देख रही है और इधर जेरी क्या लगा रही हो, क्रीम श्रीम लगा रही है देखो। और धूप नहीं दे रहा है ना, पूरा कपड़े देखे धो के हम लोग यहाँ पे सुखाने के लिए रखे हैं, पूरा बारिश ही बारिश हो रहा है कितने दिनों से। तो सुबह सुबह दोस्तों खाना वाना खाने का टाइम आ चुका है, हम लोग सुबह जो बहुत जल्दी ही ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मैं जा रहा हूँ पपाया लाने के लिए क्योंकि हम लोग पपाया और दाल एक साथ में पकाएंगे, ये बहुत ही मस्त कॉम्बिनेशन होती है। यहाँ पे पपाया है हमारे पास, पपाया का पेड़, लेकिन ये जो है काफी क्या बोलते हैं मैच्योर नहीं हुए, थोड़े से पकने वाले टाइम हुए ना, तो अभी मजा है मतलब दाल के साथ खाने के लिए, मीठा होगा एकदम स्वीट होगा अपना दाल। तो मैं पड़ोसी के उधर में एक तो पेड़ है वहाँ पे कुछ मैच्योर वाले मतलब देखा हूँ मैं, तो वो लेने जा रहा हूँ। हाँ रहे दोस्तों दो पपाया का पेड़, ये वाले थोड़ा सा अभी तक ये मैच्योर नहीं हुआ है, यहाँ से तोड़ना पड़ेगा मुझे। ये जो सबसे बड़ा वाला वो देखिए रेड रेड हो गया ना थोड़ा येल्लो येल्लो, तो उसे तोड़ूंगा मैं वो ये वाला बड़ा वाला। अरे गाइस ये ज्यादा ही पक गया, मैं मतलब ऐसे चेप के देखा तो ये देखिए अंदर में दब रहा है, तो इसे पका हुआ ही खाना पड़ेगा, इसे अगर पकाएंगे दाल के साथ ज्यादा ही नरम हो जाएगा, तो दूसरा वाला तोड़ना पड़ेगा मुझे। जेरी को देखो, जेरी जो है कपड़े सपड़े सफा कर रही है, घर सफा कर रही है सुबह उठते ही, लड़कियों का बहुओं का ये काम। हाँ दोस्तों बारिश हो रही है ना बाहर बहुत जोर से, तो हम घर भी अच्छे से सफा नहीं कर पा रहे हैं, कपड़े भी नहीं धो पा रहे हैं, और मैं कहीं पे अच्छे वीडियोस भी नहीं बनाने जा पा रहा हूँ, तो यही कर लेते हैं आज। अभी मैं इसे छीलूंगा और दाल पकाएंगा। अभी पपाया भी सफा हो चुका है, अभी दाल कितना पकाएंगे, आई थिंक इतने काफ़ी है हमारे लिए। जेरी इधर में कुकर का जो ढक्कन है उसे सफा कर रही है और अभी दाल को अच्छे से धो लेते हैं हम। दोस्तों यहाँ पे प्याज भी दे दिया है, अभी ये जो पपाया है ये दे देते हैं। तो हमारा दाल पकाने का तरीका कुछ अलग है दोस्तों, ना तेल डालेंगे हम लोग कुछ नहीं, केवल बॉयल प्याज दिया है, इसमें नमक दिया है और ये जो है पपाया दिया है, तो बिना तड़के के साथ ऐसे ही हम लोग बॉयल करके खाते हैं, बिल्कुल हेल्दी। तो यहाँ बिठा दिया है अपना दाल दोस्तों और यहाँ पे चावल पक रहा है, अभी पकने देते हैं। यहाँ पे मंजिता फ्राई कर रही है, वाह एप और अपल बिफोर बॉल फ्राई कर रही है, वेरी गुड करो। तो दाल वगैरह तो पक रहा है दोस्तों, केवल दाल से तो नहीं खा सकते ना, तो इसलिए उसके साथ तो कुछ चाहिए होगा, चटनी वतनी वगैरह। तो हम सोच रहे हैं बैंगन की चटनी, आप लोग खाते हो कि नहीं, क्या कहते हैं बैंगन के भरता ना के कुछ बोलते हैं, मैं भूल गया सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो। अरे कहाँ से तोड़ू बैंगन, यहाँ छोटे छोटे वाले, इसे आग में भून के जो है हम चटनी बनाएंगे, ये देखिए। दोस्तों घर से उतरने का साथ साथ तीन चार कदम में यहाँ पे सब्जी है। ये देखिए सब्जी, पूरा ऑर्गेनिक वाला सब्जी। तो इतने तोड़े हैं मैंने, अभी जाके इन्हें आग में भून लेते हैं, उसके बाद चटनी बनाएंगे। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं, ये जो है मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है इसे आग में भूनने से पहले, नेसेसरी नहीं है पर इससे जो है एक फायदा होता है कि जब आप इसको भूनोगे उसके बाद आग में जल जाता है ना, तो उसको छीलने का टाइम में इजी होता है, और ये फुट फुट मतलब फट भी जाता है, कुछ क्रैकर की आवाज़ आया तो उसके लिए यहाँ पे छेद करना होता है। ये देखिए ये है टेक्निक बेसिक साइंस, अब इसे जो है आग में डालना होगा बिल्कुल ऐसे।
जो भी बैंगन थे सारे पक्के हो गए हैं तैयार दोस्तों, अभी थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसे छील के जो है हम इसकी चटनी बनाएंगे। और यहाँ मेरा दाल भी पक्के हो गया है तैयार, थोड़ा देख लेते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पे है दोस्तों अपना ड्राई फिश का कलेक्शन। यहाँ देखिए पूरा ड्राई फिश रखे हैं हमने। और अभी जो है ड्राई फिश को हमें आग में भुनना होगा। यहाँ पे जेरी जो है मिर्च की चटनी बना रही है इन बैंगन को चटनी बनाने के लिए। या ये छिलके को ऐसे फेंकते हैं। वाह हाँ बिल्कुल ऐसे ही ड्राई फिश उसको छोटे छोटे टुकड़े करके रखा हूँ यहाँ पे, जो ऐसे चटनी बनाएंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले भगवान के लिए जो है दोस्तों यहाँ पे खाना निकाल रही है। सबसे पहले हम लोग भगवान को देते हैं, उसके बाद ही हम खाते हैं। तो यहाँ से जो भी दाल पका है वहाँ के सब्जी के साथ। अब इस चटनी में प्याज देंगे दोस्तों, प्याज है, ड्राई फिश है और यहाँ पे मिर्च की चटनी है। बस ये मिक्स करेंगे, नमक देके हम दोस्तों हमारा नाश्ता तैयार हो गया है और खा रहे हैं। अभी मंजिता भी खा रही है, जेरी भी खा रही है। ये जो है अपना दाल और ये क्या कहते हैं पपाया वाला सब्जी, और ये है अपना बैंगन की चटनी दोस्तों। ये देखिए अपना बैंगन की चटनी, ये ले लो जेरी। मंजिता खाओगे? तो यही है दोस्तों हमारा डेली लाइफ। ऐसे ही हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं सभी लोग मिलके। एक्चुअली मम्मी नहीं है अभी, मम्मी गई है किसी गांव में, मतलब काम से दूसरे गांव में। तो वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा और बारिश भी हो रही है बहुत जल्दी, शायद उसको थोड़ा लेट भी हो सकता है। तो हम लोग खा रहे हैं अभी, ये ले लेते हैं बहुत ही। ये देखिए दोस्तों ये इसमें प्रोटीन होगा, विटामिन सी होगा, प्रोटीन दाल की वजह से, विटामिन सी ये पपाया की वजह से, बहुत ही स्वादिष्ट, ऑर्गेनिक भी और विटामिन वगैरह भी इसमें। वाह ये देखिए दोस्तों पपाया, एकदम मजा। थोड़ा सा पकने वाले हो गए ना, येल्लो येल्लो, तो और भी मजा दोस्तों इसका टेस्ट। और ये जो चटनी है ये थोड़ा सा तीखा तीखा झाल झाल और ड्राई फिश के साथ तो एकदम मजेदार इसका कॉम्बिनेशन। और तू कैसा लगा? टेस्टी है, कितना टेस्टी, बहुत ज्यादा। इधर देखना तो खाना वाना खा के हम रेस्ट कर रहे थे, हम तो एक्चुअली सो भी गए थे क्योंकि कुछ करने को नहीं है। एंड यहाँ पे पहुंच गए हैं बितुल भैया। खाना खा के आए हो? तो फिर से अभी यहाँ पे खाएंगे पपाया, जो सुबह में मैं तोड़ के लाया था ना दोस्तों, थोड़ा सा येल्लो येल्लो हो गया था, वो पूरा पका हुआ है, पूरा येल्लो मतलब अंदर में देखिए पूरा पका हुआ है। तो यही खाएंगे अभी एकदम मजे से। चलो लीजिए भैया खाइए, कुछ है नहीं दूसरा चीज खाने के लिए, इसी से संतुष्टि बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल स्वीट। वाओ मंजिता कैसा है, मीठा है? हाँ। तो यहाँ पे मकई देखे काफी कम है, तो बितुल भैया आए हैं तो कुछ तो बनता है। मेरे लिए भी नहीं होगा ऐसे। हाँ तो अभी जाएंगे हम खेत में फिर से तोड़ के लाएंगे। हाँ उस दिन कंपटीशन में नहीं थे ये भैया, तो आज कंपटीशन करेंगे। इसे तो मतलब पहले से तोड़ तार के रखे थे हम लोग, तो चलते हैं अभी बगान में। चलो मेरे लिए जरा बस। चलो इसी बारिश दोस्तों, बारिश ब्लैक ब्लैक पूरा बारिश ही बारिश दोस्तों। बारिश में जा रहे तोड़ने मकई। यहाँ देखिए रास्ते कैसे हो गए हैं हमारे घर के रास्ते। वाह यहाँ पे आके खेत से पीछे में आपने कल के वीडियो में भी देखा होगा, मोनू को मोनू के घर में लेके गया था। तो यहाँ से तोड़े हैं हम, अभी जाके पकाएंगे। चलो दोस्तों अब फूल हो चुका है, अब इसे बॉयल करते हैं। या मकई हो गए हैं तैयार, अभी सभी लोग मिलके खाएंगे, जेरी मंजिता और बितुल भैया। चलो खाते हैं, पहले खाता है। चलो वाओ गरम है रे,
कैसा है, टेस्टी है? बढ़िया। ये व्हाइट वाला खाऊंगा मैं, पूरा व्हाइट है देखो, ये अलग है, डिफरेंट है ये सबसे। खाते हैं दोस्तों मकई। पूरा खा लिया दोस्तों, खत्म खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। बितुल भाई कितना खाया? यहाँ रखा है 6-2। वाह बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए दोस्तों चीटी का पावर, उसका कंपेयर में कितना बड़ा चीज को उठा के लेके जा रहा है, देखिए बाप रे इतना ताकतवर। पका ही कहीं भी खा लिया दोस्तों, अभी बितुल भैया जा रहे हैं, बाय बाय फिर से आना। बितुल भैया अभी चले गए, अभी कुछ खाने को भी नहीं है, तो मैं अभी जाऊंगा अपने जो बगीचे में कुछ केले वेले रेडी हो गए हैं शायद, तो उसे लेने जाता हूँ मैं अभी। वो उधर अपना केले का बगान, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों काफी बड़े बड़े केले हैं हमारे इधर में। यहाँ पे देखिए कितने लंबे लंबे हैं, और यहाँ पे गिरे हुए थे शायद किसी ने, यहाँ पे उठा के रखे हैं, पके भी है, तो इसे मैं घर लेके जाऊंगा। और ये वाले जो होते हैं ना, ये काट के गिराना होता है ताकि ये जल्दी बड़े हो जाए ऐसे, बिल्कुल हाँ। और ये तो बिल्कुल गिरने वाला हो गया, पूरा बैंड हो गया, तो इसे कुछ सहारा देके इसे रखना पड़ेगा अभी। यहाँ पे देखिए दोस्तों बारिश का वजह से हवा बहुत जोर से आई और यहाँ पे एक केले का पेड़ गिर गया, इसमें बहुत लॉस हो गया। ये तो टाउन में मतलब ये 1000 रुपए का हो जाता। मैं उस दिन ईटानगर में गया, ये एक 12 का एक दर्जन कहते हैं उसका 100 रुपीज बोल रहा था, और यहाँ पे इसका जो ये प्राइस होगा ये लगभग 50 होगा दोस्तों। आप लोग देख लीजिए ध्यान से, ये हमारे इधर में हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली हमारे गाँव में ये केवल 50 रुपीज का है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। या केले तो काफी खराब हो गए हैं, ये जो भी अच्छे बचे हैं इसे लेके आ रहा हूँ मैं अपने घर पे, इसे रखूंगा। और घर में पानी खत्म हो गया तो अपने हैंडपंप से अभी पानी लेके जाता हूँ, क्योंकि जेरी का तबीयत थोड़ा सा खराब है, तो वो जो है उतना भारी चीज नहीं उठा पाएगा। और बुज्जे मुझे वेलकम करने आया, बुज्जे आ जाओ, बुज्जे मंजिता क्या कर रहे हो? अभी इन सुराही से मैं जलाने जा रहा हूँ पानी दोस्तों अपने हैंडपम्प से। एक्चुअली दोस्तों आप लोग को बता दूँ, जेरी का तबीयत खराब है, एक्चुअली जो है उसको पीरियड्स हुआ है, तो हर मर्द को जो है ये समझना चाहिए, लड़की का जो भी औरत होते हैं उनके, आपके भाई हो या सॉरी आपकी बहन हो, आपकी दीदी हो या आपकी माँ हो, कोई भी आपकी बीवी हो, तो वो लोग को जो है काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है लड़कियों को स्पेशली हर महीने में एक बार। तो मैं जेरी के साथ 3 सालों से हूँ, तो मैं जानता हूँ उसको कितनी तकलीफें होती है, तो इससे पीरियड्स होने पर जो है भारी चीज़ें उठाने नहीं देना चाहिए, तो इसलिए मैं पानी मतलब ले जाने के लिए हेल्प कर रहा हूँ। वाह या यहाँ से दोनों को एक साथ ले जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। अकेले इसको लेके जाता हूँ पहले, काफ़ी भारी है यार ये। वाह बुज्जे हेल्प करोगे मुझे? भाग रहा है देखो बुज्जे, जाते जाते बारिश शुरू हो गई है, ओ माय गॉड, चलो चलो या या। अभी फिर से दूसरा वाला लेके आता हूँ या। ये थोड़ा सा छोटा है, इसका बाहर थोड़ा सा कम है। तो दोस्तों अभी मैंने पानी भी ला दिया, अभी कुछ करने को है नहीं, अभी दिन भर ऐसे बोरिंग सा बैठे रहेंगे हम लोग, तो वीडियो को यहीं पे एंड करने से ठीक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा डेली लाइफ था ये, मैं दिन भर क्या करता हूँ ऐसे ही होती है हमारी ज़िंदगी गांव में, हम लोग घर में ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ दोस्त लोग आते हैं तो गप्पे सप्पे लगाते हैं, कुछ खाते हैं एक साथ मिलकर, तो यही हमारे गाँव की ज़िंदगी दोस्तों। तो आप लोग वेट कीजिए जब तक धूप देने के लिए, आप लोग भी दुआ कीजिए जितना धूप देगा तो अभी अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊँगा मैं, क्योंकि बारिश में कहीं जाना मुश्किल हो जाता है ना, तो उसके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, मिलते कल एक और नए ब्लॉग के साथ दोस्तों।